नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ सोनाली ठाकुर। राशियाँ किसी भी जातक के गुण, स्वभाव और व्यक्तित्व का दर्पण होती है। आज आपको हम बताएंगे कि मेष राशि वाले जातकों का क्या क्या गुण होता है और उनका स्वभाव कैसा होता है और व्यक्तित्व कैसा होता है। दरअसल मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल जीवन में पराक्रम और उत्साह का कारक होता है। यही कारण है कि इस राशि के जातक जीवन की नई ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं और मेष राशि के जातक तेजी से काम करने वाले, आशावादी और आत्मकेंद्रित होते हैं। राशि चक्र के प्रथम राशि होने के कारण ये शिशु की तरह मासूम होते हैं। इसका प्रतीक मेढ़ा होता है जो निडर और साहसी होता है। इस राशि के जातक हमेशा अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। ऐसे जातक अपने विचारधारा से समझौता नहीं करते हैं। वही मेष राशि वाले जातक यदि किसी कार्य या प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक कार्य करना हो तो अक्सर ये नाकाम साबित होते हैं, क्योंकि इनका मन जल्द ही किसी काम से उचट जाता है जो इनके लिए और इनके करियर के विकास में बाधक बनता है। ये अपनी क्षमता से ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं, चाहे ये उनका उपयोग कर सके या ना कर सके। इन्हें अपना प्रदर्शन अच्छा बनाए रखने के लिए हमेशा दूसरों की प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। तो ये थे मेष राशि वाले जातकों के गुण स्वभाव के बारे में और शुरुआत अब राशिफल की करते हैं और मेष राशि का दिन कैसा रहने वाला है कल आपको बताते हैं। मन में उतार चढ़ाव रहेंगे, बातचीत में संतुलित रहे, घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, भवन के रखरखाव और साज सज्जा के कार्यों पर खर्चे बढ़ेंगे, भाग दौड़ अधिक रहेगी। और मेष के बाद बात करेंगे वृष राशि की। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी, परंतु संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अनियोजित खर्चों में वृद्धि होगी। और वृष के बाद बात करेंगे मिथुन राशि की। वाणी में मधुरता रहेगी, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहे, संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि की और जानेंगे 1 मार्च का दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी, आत्मविश्वास से लबरेज भी रहेंगे, घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं, मीठे खान पान में रुचि बढ़ेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। मन परेशान रहेगा, आत्मविश्वास में कमी रहेगी, आत्मसंयम रखें, क्रोध से बचे, परिवार के साथ धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, यात्रा पर जा सकते हैं। और अब बात करते हैं कन्या राशि की और जानेंगे 1 मार्च का दिन कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, लेखनादि बौद्धिक कार्यों से आय में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा, वाहन के रखरखाव और वस्त्रों पर खर्च बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं तुला राशि की। आत्मसंयम रखें, बातचीत में संतुलन बनाए रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भाग दौड़ अधिक रहेगी, रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा, खर्चों में वृद्धि होगी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और जानेंगे 1 मार्च का दिन वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे, आय में वृद्धि होगी, कार्यभार में वृद्धि होगी, वाहन सुख में भी वृद्धि हो सकती है, किसी पुराने मित्र से भेंट भी हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। बातचीत में संयम रखें, धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें, माता पिता का सानिध्य मिलेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, कारोबार के लिए भाई बहन का सहयोग मिल सकता है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मन प्रसन्न तो रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी भी हो सकती है, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं, मित्रों से भेंट होगी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता पिता का साथ रहेगा, खर्चों की अधिकता रहेगी, मित्रों का सहयोग मिलेगा। और अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। मन प्रसन्न रहेगा, दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, परिवार में सुख शांति रहेगी, कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा, लाभ के अवसर मिलेंगे, बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान मिलेगा। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।